द हैंड एक्स वॉज मेड फ्रॉम रियली लार्ज स्टोन फ्लेक। तो ये जो हमारी कुल्हाड़ी होती थी ये भी स्टोन फ्लेक से बनती थी, ठीक है। अलग टाइप का स्टोन होता था जो जो ब्रेकेबल था, जिसको तोड़ देते थे हम ये, ठीक है। द अर्लीस्ट ह्यूमन शार्प द हैंड एक्स, तीखे कैसे करते थे, बाय स्ट्राइकिंग इट, इसको स्ट्राइक करके इट ऑल अराउंड विद द स्मॉलर स्टोन फ्लेक। इस स्टोन फ्लेक को दूसरे स्मॉल स्टोन फ्लेक से ऐसे रगड़ रगड़ के, जब ऐसे स्ट्राइक कर करके उसको तीखा करते थे। द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स वर यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर फिशिंग, डिगिंग, हंटिंग, कटिंग मीट एंड क्लीनिंग द स्किन ऑफ एनिमल्स। सम टूल्स मेड फ्रॉम द बोन्स आल्सो बीन फाउंड। दीज वर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड एंड सुजेस्ट दैट दे मे हैव बीन यूज्ड बाय फॉर सुइंग, ठीक है। तो क्या है कि जो टूल्स थे वो किसके लिए यूज़ करते थे, जहाँ तो मछलियाँ पकड़ने के लिए, डिगिंग करने के लिए, खोदने के लिए, शिकार करने के लिए, ठीक है, एनिमल्स की स्किन को साफ करने के लिए, ऐसे। तो कुछ स्टोन्स जो होते थे वो हड्डियों के भी बने होते थे, वो इतने शार्प और तीखे थे, तो उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मे बी वो उसको सीने में यूज़ करते, जैसे कपड़े नहीं सीते हम, सुइंग मतलब होता सीना, तो मे बी इतने तीखे, जैसे सुई के जैसे इतने तीखे होते थे बोन्स के जो टूल्स थे, मे बी वो उसे स्विम में यूज़ करते होंगे, ठीक है। द पीरियड ऑफ टोइंग टाइम ड्यूरिंग विच स्टोन टूल वर यूज इज नोन एज स्टोन एज। जिस टाइम पे ये स्टोन टूल्स मिले हैं उस टाइम को क्या बोलते हैं, स्टोन एज। दिस एज हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू फेस, आगे ये एज है ना स्टोन एज, इसको आगे दो आगे फेसेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ईच फेस सा इम्प्रूव्ड स्टोन टूल, तो हर फेज में क्या, पहले एक स्टोन था तो फिर उसके बाद उसने उसको यूज़ किया और थोड़े टाइम बाद उससे भी बेटर टूल बनाया और फिर थोड़े टाइम बाद उससे भी बेटर। तो ये पूरी स्टोन एज है, लेकिन ये इसके फेजेस हैं। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 12।